देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार 3.0 का शुभारंभ हो चुका है। मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उसने भी शपथ ले ली है। इस संबंध में हम उत्तराखंड की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे उत्तराखंड की महिलाओं का क्या कहना है और मोदी सरकार के जो दो कार्यकाल थे उसको लेकर क्या कहना चाहती है और तीसरे कार्यकाल से उनको क्या उम्मीद है। इस संबंध में उत्तराखंड की महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है और किस तरह से वो मोदी सरकार 3.0 को देखती है और क्या उम्मीदें हैं सरकार से। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसी बिस्टे है। हंसी जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या मांग है आपकी सरकार से और क्या लगता है आपको कि पिछली सरकार की तुलना में ये सरकार कैसा काम करेगी? तो हम तो मोदी जी आए हैं, बहुत खुश है और हम ये चाहते हैं कि बेहतर कानून बने और महिलाओं को समान अधिकार मिले और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून आए और ताकि उन कानूनों का गलत फायदा न उठाया जाए और यही हम मोदी जी से उम्मीद करते हैं। मोदी जी की जो दो सरकारें थी उसमें लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार में महिलाओं को उनके अधिकार मिले, महिलाओं को गैस दी गई, महिलाओं को विद्युत कनेक्शन दिए गए, इसके साथ साथ जो कई अन्य योजनाएं थी जिसका लाभ सीधे तौर पर महिलाओं को देने का प्रयास किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ महिलाओं को उसका मिला? यह है कि महिलाओं को लाभ भी मिला, जिसके कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी चलती थी उसको मिला, कुछ तो रह गए, कुछ को लाभ मिला। क्या उम्मीद है, अब तीसरा कार्यकाल है, क्या उम्मीद है, क्या अलग चीज होनी चाहिए जो महिलाओं के हित में हो, क्या कहना चाहेंगे उसके तो लिए? हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले सरकार की तरह इस बार ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, हम वही कहेंगे, और महिलाओं के हित में हर कार्य होने चाहिए। और जैसे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, घर में बैठ जाते हैं, उनको आरक्षण की भी सुविधा होनी चाहिए। जैसे सभी को सवर्ण के लिए तो आरक्षण है ही नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो लड़कियों के लिए जो आगे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, होशियार भी होते हैं, अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा उनका हौसला टूट जाता है, इसलिए उनको उनका हौसला बनाने के लिए उनको आरक्षण की भी थोड़ी सी हम मांग करते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की जो पांचों सीटें हैं, लगातार जो है पांचों सीटों पे 3 बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसको किस तरह से देखती हैं? आखिर वो कौन से मुद्दे थे उत्तराखंड के जिसको ध्यान में रखकर उत्तराखंड की जनता ने वोट दिया? तो ये है कि कुछ तो हिंदुत्व के ऊपर भी मिला और कुछ मोदी जी ने काम करे हैं, जैसे रोड अच्छी बना दी है और पहाड़ों के लिए, जैसे बेरोजगारी थी पहाड़ों में, थोड़ी बेरोजगारी भी कम हुई क्योंकि यहाँ के मंदिरों का विकास हुआ है, मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहाड़ के लोगों ने होम स्टे बना रखे हैं, उससे उनको रोजगार मिल रहा है, जगह जगह अपने रोजगार के लिए उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल रखे हैं, रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, तो इसमें थोड़ा सा फायदा दिखता है। चलिए, कुछ और महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 को लेकर वो क्या सोचती हैं और क्या मांग है उनकी कि सरकार किस तरह से काम करे ताकि महिलाओं के लिए अधिक से अधिक योजनाओं का महिलाओं को लाभ मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या शर्मा। विद्या जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है, क्या उम्मीद है सरकार से, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? उम्मीदें तो काफी लगाई हैं, इसीलिए उनको जिताया गया है, पहले के उनका कार्य देखते हुए आगे और अच्छा करेंगे इसी उम्मीद में है और उम्मीद है कि वो हमारे विश्वास को कायम रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और मेन तो है, हम महिला हैं, महिला सशक्तिकरण तो वो करा ही रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं, बहुत कुछ योजनाएं बनी हैं, बहुत सुविधाएं भी हैं, लेकिन वो मेन मुद्दे तक वो बंदे तक पहुंच नहीं पाती है, आते आते ही रास्ते में आधी गायब हो जाती हैं, आधी परेशानियां होती है, इससे परेशान होकर इंसान तो अरे कहाँ जाए, अपने आप रहता है, ये ऐसा करके भी पीछे कदम उठा लेते हैं। और वैसे ही सुविधाएं तो करी हैं, लेकिन सुविधाएं पहुंचने का जो बीच का एक पॉइंट मिस हो जाता है, हालांकि उन्होंने इसके लिए भी कड़ी कार्रवाइयां करी हैं और जगह जगह पोस्टें डाली हैं कि जो जिसको जो शिकायत करनी है वो कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, लेकिन हर कोई यही हो जाता, अरे अभी कंप्लेन करेंगे, कल को ये बंदा हमारा फिर काम नहीं करेगा, चलो जो है माथा पच्चीस ही कर लो, ये चीज ज्यादा हो जाती है। और महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए भी आगे करा है, ग्रामीण उद्योग भी करे हैं, छोटे छोटे घरेलू उद्योग भी कराए हैं,
बाहर की महिला है, तब जो वहाँ अनाज पैदा हो रहा है उससे कई किस्म के बिस्किट बना रहे हैं, नमकीने बना रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और जो जिन महिलाओं को अपने प्रति कि हम में कितनी शक्ति है, हम में कितनी योग्यता है, वो अब अपने को पहचान रही हैं महिलाएं, क्यों उनको जगह जगह सम्मान मिल रहा है उनको, और आगे बढ़ावा मिल रहा है। तो अब वो महिलाएं नहीं रह गई हैं कि जो वो पीछे रहे हैं या कोई अत्याचार से हैं, जहां तक हो सके महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मोदी सरकार जो है कि लगातार वो इस बात को चुनाव में कह रही थी कि हमारी सरकार में महिलाओं को उनके अधिकार मिले, कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। इस सरकार में आपको क्या उम्मीद है, क्या और चाहती हैं एक्स्ट्रा की, मतलब ये चीज होनी चाहिए जिससे कि महिलाओं की स्थिति में जो बदलाव आ सके, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम महिलाओं के लिए यही है, जैसे कहीं पर भी हो महिला प्रथम तो कहते हैं, लेकिन कहीं पर ये भी कह देते हैं, वहीं पर कोई पुरुष होगा कहता सब महिला पुरुष सब एक समान है, कोई महिला नहीं, पहले पुरुष को भी आगे मिलेगा नंबर। तो वहां पर जो है वो महिला भाई समान तो कहना है कि जो समानता की बात करते हैं लेकिन महिलाओं के हकों को छीना जाता है, है कि मतलब जहां जहां अधिकार मिलने वाले होते हैं वहां छीन लिया जाता है कि समानता की बात कहके, तो उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? उसको लेकर यही है कि मेन मुद्दे पर जहां पर एन वक्त पर वो यही हो जाता महिला पुरुष सब एक समान है। कभी कभी ऐसा होता है सरकारी कर्मचारी हैं, ड्यूटियां आती हैं महिलाओं की, इतने खतरनाक ड्यूटियां आती हैं, खतरनाक जगहों पर आती हैं, अगर वो जरा सा उसको सुधार करवाने जाती हैं, कहते हैं कि हम महिलाएं हैं, हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं सर, हमारी ड्यूटी बदल दो, तो वहीं पर ही कहते हैं महिला पुरुष सब एक समान है, ड्यूटी कर रहे हो तो करना पड़ेगा। तो कहीं पर तो कोमलता है कि उसकी जरूरत और परेशानी समझी जाती है, और कहीं पर ये कह दिया जाता है तो नौकरी पे आए हो तो करना ही पड़ेगा। तो फिर भी कुछ भी हो, चाहे महिला पुरुष समान भी है, कहीं पर महिला नाजुक है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 को लेकर क्या सोचती हैं, आखिर कौन कौन से मुद्दे थे जिसको ध्यान में रख के जो उत्तराखंड की महिलाएं उन्होंने वोट किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी पंत है। मोहिनी जी बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीती है, आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिसको ध्यान में रख के उत्तराखंड की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया? सबसे पहले तो यहाँ अपराध काफी कम हुआ है इधर, दूसरा यहाँ टूरिज्म का काफी विकास हुआ है जिससे लोगों को रोजगार मिला है। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा बिल्कुल हमेशा ही व्यस्त रहता है वहां, जब शुरू होता है शुरू होते ही वो भर जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन। और विदेश नीति में बहुत काम किया है मोदी जी ने, विदेश में भारत का इतना नाम हुआ है, सब लोग बात नहीं कर सकते थे उनसे, किसी भी विदेश अमेरिका से रूस से इनसे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इनकी बहुत मोदी जी की बहुत पहचान हुई है। अभी यूक्रेन युद्ध में भी इनका काफी इन्होंने मदद की है उनसे। और विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दो सरकारें थी उसमें कहीं ना कहीं देश जो है कमजोर हुआ है, विश्व स्तर पर देश कमजोर हुआ है। नहीं, कमजोर तो बिल्कुल नहीं हुआ है, कमजोर तो बहुत अच्छी छवि बनी है हमारे भारत की उसमें, लेकिन वो विपक्ष तो विपक्ष ही है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, विपक्ष ने अपना मुद्दा तो रखना ही है उन्होंने, तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब यही देख लीजिए विदेश नीति में ही कहीं यूक्रेन और इनसे कितना इन्होंने तेल, हम लोग रूस से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं और अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। नहीं तो मैंने तो आज तक कभी नहीं पढ़ा कि तीनों नेताओं से वो कंधे पे हाथ रख के उनके बुला रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जी उनको, नहीं तो इतना उनका सम्मान है विदेशों में, तो ये उनका बहुत बढ़िया, उनका हमारे मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया उनका काम है। मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, कौन सी ऐसी मांगे हैं जो महिलाएं रखना चाहती हैं सरकार को, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको चाहती हैं कि प्राथमिकता से सरकार हल करे और अगले 100 दिन के टारगेट में उन मुद्दों को रखे? मेरा तो सबसे ज्यादा यही है कि बच्चों की जो परीक्षाएं होती हैं वो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, और वो बच्चे कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई है, वो आगे पेपर ही नहीं दे सकते हैं, उनका तो पूरा कैरियर खराब हो गया ना। तो ये सबसे बड़ा इसमें नकल विरोधी कानून इतनी सख्ती से उसको लागू किया जाए कि वो ऐसा आगे हो ही ना भविष्य में कभी भी। हमारे ही साथ के कितने बच्चे हैं जो बेचारे पटवारी के लिए निकल गए थे लेकिन उनकी उम्र निकल गई, अब वो कह रहे हैं हम दे ही नहीं सकते हैं पेपर इसका। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा, अभी नीट में भी यही चीज आ रही है, मांग की जा रही है कि इसका दोबारा से परीक्षाएं की जाएं, ताकि हमको बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो ही रहा, पूरी मेहनत करते हैं बच्चे उनको दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, ये सबसे बड़ा यहाँ का बेरोजगारी तो है, इससे और ज्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को।
यही मेरा उत्तराखंड सरकार जो है नकल विरोधी कानून लेके आई थी, जिसको लेके लगातार उस वक्त एक्शन भी दिखाई दिया था, कई जो नकल माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, क्या उसी की तर्ज पे आप देश में भी एक कानून मांगना चाह रही हैं? हाँ, वो देश में बनेगा तभी बच्चे आगे अपना भविष्य का विकास देखेंगे, और हम तो यही चाहेंगे कि भाई होना चाहिए, या नकल विरोधी कानून बिल्कुल कड़ाई से लागू होना चाहिए। चलिए, कुछ और महिलाएं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और क्या कहते हैं मोदी सरकार 3.0 को लेके क्या सोचती हैं, उन महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? भवानी पटेल। भवानी जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, 100 दिन का डे प्लान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है, आखिर वो कौन से महिलाओं के मुद्दे हैं जिनको आप चाहती हैं कि उन 100 दिनों में प्राथमिकता के साथ उन मुद्दों को हल किया जाए? हम तो पहले घर से बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पाते थे, अब तो हम इतना निकलते हैं, अपने मन से कहीं भी जा सकते हैं महिलाएं, इतना अच्छा हो गया हमको। पहले तो इतनी बंदिश थी, कहीं जा भी नहीं पाते थे, अब तो हम महिलाएं बहुत निकल रही हैं हमारे देश में, तो अच्छा हो रहा है, इसका विकास हो रहा है, ऐसे आगे को होता रहे, और हम यही चाहते हैं। बाकी तो हम लोगों को इतनी जानकारी है भी नहीं, अभी हम तो निकलने लगे हैं जब से मोदी जी आए हैं। अच्छा, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, घर घर गैस पहुंच रही है, सब महिलाओं के लिए सुविधा भी है जो कर सकती है। मोदी जी ने तो गैस के रेट बढ़ा दिए, विपक्ष कहता है कि मोदी जी की सरकार में आने के बाद से गैस के रेट बढ़े हैं, कई तरह के लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं, उसको लेकर क्या करें? अब गैस बढ़ाई है तो कहीं पर उनके तनख्वाह भी बढ़ा रखी है, तो उनको भी तो कहां से अपने घर से थोड़ी देंगे, उनको भी तो इसी से निकालना है, सरकार को जब उन्हें चलाना है तो कुछ तो करेंगे, अपने घर से तो कोई लागे दे नहीं सकते। लाइनों में तो नहीं लगना पड़ता? नहीं, हमारे तो घर घर गैस पहुंचती है, हम तो लाइन में नहीं लगते हैं, ये तो बहुत सुविधा हो रही है, कहीं जाते हैं तो हम आगे हमारे लिए सुविधा भी है, अब हमें नहीं ले पाते हैं इतना इसका वो ना, लेकिन लाभ हमको सब सुविधा मिल रही है, अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, ऐसे करते रहे, आगे को भी और आए, अगले बार भी मोदी जी आए, हाँ यही हम भी चाहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की जो महिलाएं थी वो लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कौन से मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया, क्या लगा कि क्या उम्मीद थी सरकार से, मतलब जो अगर बात करें पिछले कार्यकाल की बात करें, इस कार्यकाल की बात करें, तो किस तरह से देखती हैं मोदी जी को? इसीलिए देखते हुए कि उनको अच्छा मिल रहा है, कहीं भी जा सकती है महिलाएं, अकेले कहीं भी कुछ भी काम कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। अच्छा को लेकर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, काम अच्छा कर रही है, काम कहीं भी जा सकते, पहले तो महिलाएं कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वैसे भी दबाव में रहती थी, वैसे भी उनको कहीं जाने की नहीं था उतना अधिक, अब तो वो खुद जा सकती है, पुरुषों के बराबर चल रही है, बहुत उनको अधिकार मिला है, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, और बाकी जो कर सकते हैं जो उसके लायक है वो कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। कुछ तो और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और मोदी सरकार 3.0 को लेके वो किस तरह से सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला शर्मा है। कमला जी, ये बताइए कि 2024 में जो है लोकसभा चुनाव हुआ और जो चुनाव में मोदी सरकार 3.0 की जो विजय हुई और सरकार का गठन हो चुका है, किस तरह से देखती हैं, आखिर कौन से मुद्दे थे जिनको आप चाहती हैं कि प्राथमिकता से सरकार हल करे? हमें सब चीज अच्छा मिल रहा है और गैस के लिए भी लाइन नहीं लगानी पड़ी, हमारे तो घर भी अंदर भर गए, बच्चे रख जाते हैं जो आते हैं गाड़ी पे, और वैसे भी हमारा गांव तो हर चीज में सुरक्षित है, और क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड की भी हमें बहुत सुविधा मिल रही है, और जहां पर भी जाते हैं हॉस्पिटलों में भी जाते हैं तो लाइन छोड़ देते हैं, और हम मोदी सरकार से बहुत खुश हैं, इसी उससे हमने उनको चुना है। अच्छा, मोदी जी अब 100 दिनों का, उन्होंने कहा है कि 100 दिनों का मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें देश के विकास को लेकर 100 दिनों का रोडमैप तैयार कर रखा है, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको चाहती हैं कि आप मोदी सरकार उसमें रखें और प्राथमिकता से हल करें? हर चीज मिल रही है यहाँ पर, तो हर चीज सही है, हमें ऐसा कुछ है नहीं, हमारे तो पुरुष भी हैं तो वो भी हमें हर चीज की छूट देते हैं, हम पहले से भी शहरों से आए हैं तो अब हमें यहाँ पर हर चीज की सुविधा मिल रही है, जो हमारी साथ वाली बहनें हैं वो हर चीज कर रही हैं, और मोदी जी से हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 को लेके वो क्या सोचती हैं और किस तरह से देखती हैं मोदी सरकार को और क्या उम्मीद है सरकार से। क्या नाम है आपका? जानकी जसीला। जानकी जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगी, क्या उम्मीद है सरकार से और क्या चाहती हैं कि जो सरकार जिन मुद्दों को प्राथमिकता से हल करे, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप हल करवाना चाहती हैं? सरकार से तो हमें बहुत उम्मीदें हैं, सरकार ने मान ली करा भी है ये, एक तो आयुष्मान कार्ड का है, उसमें आयुष्मान कार्ड में इलाज तो मिल रहा है लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनको सुना नहीं जाता, वो सुने, और दूसरा एक अग्निवीर का है, अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे उनका बाद में क्या होगा उनके बारे में भी सोचें, और आर्मी से जो रिटायर आ रहे हैं 15-16-17 साल में उनको रिटायर कर दिया जाता है, उनके बारे में भी सोचें, और आर्मी के लिए अच्छा करना चाहिए, और बाकी सब ठीक है, बाकी तो सब सही है। जो महिलाओं के लिए और कौन से कदम उठाने चाहिए? कानून है, कानून सही होने चाहिए, जो कुछ भी हम कंप्लेन करें उसके बारे में सुने, है ना, कोई भी कुछ भी परेशानी हो प्रशासन सुनता नहीं है, वो उसका कानून थोड़ा तगड़े करें, उसको सुने।
आपने भी बताया कि कोई राशन कार्ड को लेकर भी समस्या हो रही है, क्या समस्या? राशन कार्ड का सामान्य लोगों का राशन कार्ड कट गया है, जिनके पास हमें जरूरत पड़ती है कभी कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट क्लियर करने होते हैं, उसमें हमारे पास राशन कार्ड ही नहीं होता है। तो राशन कार्ड भी होना चाहिए सबके पास, है ना। सामान्य लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए, जो कह रहे हैं कि अब नहीं बनेगा तो बनना चाहिए, क्योंकि हम मांगते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है तो उसमें मांगते हैं, कुछ भी हमें कागज बनवाना पड़ता है तो उसमें जरूरत पड़ती है, इसलिए वो बनना चाहिए सबका, है नहीं हम लोगों के पास, इसलिए बनाना। आपने सुना कि उत्तराखंड की महिलाओं ने हमसे बातचीत करते हुए साफ तौर पर बताया कि मोदी सरकार के जो दो कार्यकाल थे उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया, महिलाओं की कई मांगों को पूरा किया गया है। उनका कहना था कि उत्तराखंड जो है सबसे ज्यादा फौजी देने वाला प्रदेश है, यहाँ पे अग्निवीर जैसी योजना जो है काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अग्निवीर जैसी योजनाओं को सुधार करने चाहिए जिससे कि यहाँ के युवाओं को और अधिक अवसर मिले, और इसके साथ साथ जो अग्निवीर से रिटायर हों उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए ताकि उनकी स्थिति अच्छी हो सके। इसके साथ ही महिलाओं ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार 3.0 में महिलाओं की स्थिति में और अच्छा सुधार आएगा और महिलाओं के हित में सरकार बेहतर काम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।